एक बड़ी खबर आ रही है और दुखद खबर बिहार से आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी का निधन हो गया है। बड़ी खबर बिहार से इस वक्त की। सुशील मोदी बीजेपी के कद्दावर नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का निधन हो गया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में चुनाव शुरू होने से कुछ वक्त पहले सुशील मोदी ने सोशल मीडिया पर खुद यह खबर बताई थी कि उन्हें कैंसर है और उनकी सेहत भी लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरती जा रही थी। उन्होंने बताया था कि 6 महीने से कैंसर से जूझ रहा हूं और इसीलिए चुनाव में वो सक्रिय भागीदारी भी नहीं निभा पा रहे थे। और इस वक्त एक दुखद खबर बिहार से निकल कर आ रही है। बिहार के कद्दावर नेताओं में शुमार सुशील मोदी का निधन हो गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर बिहार से। पूर्व उप मुख्यमंत्री और काफी लंबे समय कई दशकों से बिहार की राजनीति में सबसे कद्दावर और सबसे अनुभवी नेताओं में शुमार होता रहा सुशील मोदी का नाम, और अब सुशील मोदी हमारे बीच नहीं रहे। सुशील मोदी का निधन हो गया है। बिहार से इस वक्त की दुखद खबर, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चुनाव के बीच में जब सुशील मोदी ने पहले ही कहा था कि चुनाव में भागीदारी इसलिए उनकी नहीं हो पा रही है क्योंकि सेहत बहुत अच्छी नहीं है, कैंसर जैसी एक बड़ी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे और पिछले कई महीनों से सक्रिय राजनीति से एक तरह से किनारे कर लिया था उन्होंने और बहुत ज़्यादा सेहत गिर रही थी। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ गए हैं। रजनीश, ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बल्कि बिहार के लिए एक बहुत बड़ा झटका। बिहार के कद्दावर नेताओं में सबसे ज़्यादा सूझबूझ पढ़े लिखे अनुभवी नेताओं में शुमार रहे सुशील मोदी। देखिए, सुशील मोदी का निधन बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में एक अपूर्णीय क्षति है और साथ ही साथ पार्टी के लिए तो निश्चित तौर पर अपूर्णीय क्षति है। वैसे मौके पर जबकि देश में चुनाव चल रहे हैं और सुशील मोदी की बीजेपी को तो बेहद जरूरत ही थी, बिहार बीजेपी को उनकी बेहद जरूरत थी। अपने उनके जो एक सूझबूझ है, साथ ही साथ किसी भी बात को रखने का तर्कपूर्ण तरीका सलीका, उनके जो व्यवहार और साथ ही साथ जो जमीनी स्तर से संघर्ष के रास्ते उन्होंने बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में अपने लिए जो जगह बनाई थी और साथ ही साथ पटना यूनिवर्सिटी से लेकर और 1977 और 74 का आंदोलन और इसके अलावा जेपी के आंदोलन के साथ और इसके अलावा अगर आप देखें तो एक लंबा राजनीतिक संघर्ष पूर्ण जीवन के बाद उन्होंने एक अपने लिए जो जगह बनाई और जगह तय की थी वो अपने आप में एक नजीर है, एक उदाहरण है। बात विचार से बेहद शालीन सुशील कुमार मोदी, और जो भी ये खबर सुना वो निश्चित तौर पे अस्तब्ध है और बिल्कुल इस बात पे भरोसा करना मुश्किल है कि सुशील कुमार मोदी का वो चेहरा मुस्कुराता हुआ और साथ ही साथ उनकी जो एक व्यक्तित्व था वो व्यक्ति अब नहीं रहे। बिल्कुल, जाहिर तौर पे ये आहत करने वाली खबर है। और सुशील कुमार मोदी, देखिए, लंबे समय से उन्हें हम कवर करते रहे और अपने बातों के इतने पक्के और साथ ही साथ मीडिया के साथ उनका जो व्यवहार था या फिर उनका जो एक अपना सलीका था। और इसके अलावा देखिए, एक बात के लिए और भी याद किया जाएगा कि बिहार में कितने भी राजनेता हों, एक एक दिन वो साल में मीडिया के लिए जो खास आयोजन माफ कीजिएगा जो रखते थे और व्यक्तिगत तौर पे वो हर किसी को फोन करके खुद से इसका निमंत्रण देते थे। और देखिए, जो अगर आंकड़ों की बात करें, डाटा की बात करें, आर्थिक जो उनकी जो सोच है, साथ ही साथ जो गंभीर विषयों पर उनके जो पकड़ है और एक अध्ययन की बातें हैं, कई बार हमने देखा है कि हेलीकॉप्टर दौरा से सघन एक चुनावी प्रचार अभियान या फिर दूसरे कार्यों से लौटे। देखिए, नितिन नवीन के फोन आ रहे हैं हमारे पास लगातार अभी इस बात पे और लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं के फोन कॉल्स जो है वो आ रहे हैं। बिल्कुल, और जो भी सुन रहा है इस खबर को उसे विश्वास। रजनीश, चूंकि अभी हाल में अभी चूंकि जनवरी में ही फिर से एक बार वापस बिहार में एनडीए की सरकार बनी और 2005 से ये सफर लगातार चलता रहा है, बीच में कुछ महीनों को छोड़ते रहे, तो एनडीए सरकार बिहार की जो आज आर्थिक स्थिति की बात होती है या बिहार के बजट का आकार जो बहुत बढ़ गया है, एनडीए सरकार में जो रोल सुशील मोदी का था, मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री के